भारतीय रेलवे तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रयास कर रही है कि हम कैसे भी करके सेमी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाने लग जाए जिसकी टॉप स्पीड होगी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब चैलेंज यहाँ पर यह है कि हमारे जो ट्रैक है 160 किलोमीटर पर आवर के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड है और उससे ज़्यादा स्पीड बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अनसेफ गेम हो सकता है। खैर, अब ये लोग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए एग्जिस्टिंग ट्रैक जो है बेंगलुरु और सिकंदराबाद, ये एक पूरा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पर 30,000 करोड़ रुपीज की लागत से एक नया ट्रैक बिछाया जाएगा वेरी क्लोज टू द एग्जिस्टिंग वन। अब यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसकी कुल लंबाई है 622 किलोमीटर की। रेलवे का ये नया प्लान होगा 503 किलोमीटर लंबा, जो कि काफी कम है कंपेयर टू द प्रीवियस, लेकिन ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से ज्यादा कम है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। सो इससे डिस्टेंस घट रहा है और साथ में स्पीड इंप्रूव होने से हमारा टाइम बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। नाउ अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज होगा रेलवे के लिए कि ये जो जितनी भी क्रॉसिंग होती है इसे पूरी तरह से खत्म करना। सो रेलवे ने इसका नया प्लान बनाया है 60 करोड़ पर किलोमीटर। सबसे पहले तो इस ट्रैक के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा और साथ ही में इसमें अब लो साइड वॉल्स भी बनाई जाएंगी जिसकी हाइट होगी लगभग 1.5 मीटर्स की। एटलीस्ट इतना तो चाहिए ही, वरना लोग अक्सर आपने देखा होगा कि वो लोग तो बिना देखे ही ट्रैक्स आजकल क्रॉस करने लग जाते हैं और इससे रेलवे की ही बदनामी हो जाती है। वैसे ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है 60 करोड़ पर किलोमीटर, अगर बाकी से कंपेयर करें जैसे RRTS कॉरिडोर या फिर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, इनकी कॉस्ट तो 300 करोड़ पर किलोमीटर की है। तो आप सोच सकते हो रेलवे तो यहाँ पर कितनी ज्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश कर रही है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। 1 किलोमीटर की लागत में जितना ये RRTS कॉरिडोर बनेगा उतना तो हमारी रेलवे 5 किलोमीटर बना देगी, लेकिन वो होगा ऑन ग्राउंड। सो यही यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है, बिकॉज वायरडक्ट कंस्ट्रक्ट करना ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सो रेलवे ने प्लान किया कि हम नहीं जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसको नहीं, बल्कि उसके बाजू में हम नए सिरे से एक सेपरेट लाइन ही बिछा डालेंगे। अब यहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम सब डाला जाएगा इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी द्वारा। हमारा जो एक पूरा सुरक्षा प्रणाली है कवच सिग्नलिंग सिस्टम, जो कि 160 किलोमीटर पर आवर और उसके ऊपर की स्पीड को सपोर्ट करता है, इसे भी डिप्लॉय कर दिया जाएगा।